रैलियां ही रैलियां, सुबह यहां तो शाम को वहां, कभी मंच से संबोधन तो कभी सीधे जनता से संवाद। शिवराज सिंह चौहान न दिन देख रहे हैं न त्योहार, तेज कदमों से बढ़ते शिवराज का इस समय बस एक ही टारगेट है, मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में फतेह। शिवराज के लिए इस बार का चुनावी रण जितना कड़ा दिख रहा है वो उतना ही जी जान लगाए हुए हैं। शिवराज सिंह चौहान चुनाव की घोषणा से दिवाली के दिन तक 126 रैलियां कर चुके हैं। दिवाली के अगले दिन यानी आज 13 और रैलियां कर रहे हैं। शिवराज का प्लान कम से कम 180 सीटों को कवर करने का है। प्रचार पे निकले हैं क्या, इसके पहले कभी आपने अपने पॉलिटिकल करियर में दिवाली पे प्रचार किया है? मैं समझता हूँ देश के इतिहास में शायद ये पहली घटना होगी कि दिवाली के दिन भी सभाएं हुई, चुनाव प्रचार हुआ, जबरदस्त भीड़ उमड़ी और भीड़ में भी मेरी बहनें और बच्चे बड़ी संख्या में थे, जिनको घर में काम होता है, दीपक जलाना है, पूजा करनी है, उसकी तैयारी करनी है। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और मैं भी पहली बार दिवाली के दिन निकला, इसके पहले कभी दिवाली पर घर ही रहते थे, लोग मिलने आते थे, दिन भर तैयारी करते थे, शाम को पूजा करते थे। प्रचार में अब ज्यादा दिन नहीं बचे, आपने मेरे ख्याल है कि तकरीबन 125 से ज्यादा सभाएं तो आचार संहिता लगने के बाद कर ली है और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा ज्यादा पहुंचे, तो अब बीजेपी को कहां खड़ा पा रहे हैं आप? निश्चित तौर पर जनता का जो स्नेह सड़कों पर दिखाई दे रहा है, प्यार उमड़ रहा है। आज आपने भी दिवाली की सभाएं देखी। मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक विश्लेषक रिजल्ट के बाद चौंक जाएंगे। शिवराज इस बार के चुनावी कुरुक्षेत्र में जुनून की हद तक कैंपेनिंग में जुटे हैं, यहां तक कि दिवाली के दिन भी उन्होंने 4 चुनावी सभाएं कर डाली। छोटी दिवाली के दिन शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था और 4 रैलियां भी की। उससे पहले धनतेरस के दिन भी शिवराज ने 11 रैलियां की थी, यानी शिवराज कोई मौका नहीं चूकना चाहते। मल्ला जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश पिछड़ गया है, भ्रष्टाचार का प्रदेश हो गया है, इसलिए अब शिवराज जी को हट जाना चाहिए। उनसे ज्यादा भ्रष्ट कोई है ही नहीं। देखिए कांग्रेस ने जितने भ्रष्टाचार किए, 2014 तक देश में क्या माहौल था, 2G 3G 4G जीजा जी कितने घोटाले थे। कमलनाथ जी 1.5 साल के लिए आए, उनने तो इंतहा करती थी करप्शन की, सेक्रेटरियट दलालों के अड्डे के रूप में परिवर्तित हो गया था, बिना लिए दिए कुछ होता नहीं था। चुनाव प्रचार के मोर्चे पर शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिद्वंदियों से किस कदर लीड बनाए हुए हैं, इसे ऐसे समझिए कि 9 नवंबर से 13 नवंबर तक इन 5 दिन में जहां कांग्रेस के कमलनाथ ने 13 चुनावी रैलियां की, वहीं शिवराज सिंह चौहान ने 40 रैलियां कर डाली। इसी में होता है दोपहर का भोजन भी और रात का होता है गाड़ी में, क्योंकि हेलीकॉप्टर की सभाएं समाप्त करके मैं गाड़ी से सभाएं करता हूं, तो चलते चलते गाड़ी में कर लेता हूं। आप ही कह रहे थे अभी कि कांग्रेस कहती है कि डेढ़ हड्डी के शरीर में इतनी जान है, इतनी ताकत है, तो इस एनर्जी का राज क्या है कि आप 10-10 सभाएं एक दिन में कर रहे हैं? तो मन में एक संकल्प है, मैं अपनी जनता से बेहद प्यार करता हूं, और ये कहने के लिए नहीं कर रहा, अंतरात्मा से कर रहा हूं, मेरे लिए सब कुछ वही है। शिवराज को इस बार बीजेपी ने चेहरा नहीं बनाया, लेकिन इसके बावजूद शिवराज ने जिस कदर ताकत झोंकी है वो सबको चौंका रहा।